हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप करते हैं तो ये केबिन प्रेशर में कमी की निशानदेही करता है। ये सिचुएशन स्ट्रक्चर डैमेज, सिस्टम फेलियर या एयरक्राफ्ट के दबाव को मुतासर करने वाले दीगर अवामिल की वजह से पैदा हो सकती है। तो व्यूअर्स, इसके रिस्पॉन्स में पायलट्स को इमरजेंसी डिसेंट का मुजाहरा करना होगा। तैयारी को इस बुलंदी से कम करना चाहिए जहां सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बगैर हवा सांस लेने के काबिल हो, टिपिकली अराउंड 10,000 feet। तो व्यूअर्स, इस इमरजेंसी डिसेंट प्रोसीजर में कई अहम इकदाम शामिल है। पायलट्स फौरी तौर पर अपने ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत करते हैं, हवाई ट्रैफिक कंट्रोल तैयारी की कॉन्फ़िगरेशन को एडजस्ट करते हैं जैसे कि स्पीड को कम करना और स्पीड ब्रेक लगाना। इसके साथ ही कैबिन के मुसाफिरों को इनके ऑक्सीजन मास्क की ओर करने और पुरसकून रहने में मदद करते हैं। पायलट्स इंश्योर द ऑटो पायलट इज सेट टू अचीव द डिजायर्ड डिसेंट रेट एंड ऑल्टीट्यूड, जबकि कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए हवाई जहाज के निजाम और कारकर्दगी की निगरानी करता है। इस सूरत हाल में बुनियादी मकसद फौरी तौर पर सेफ ऊंचाई की तरफ पहुंचना है, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हिपोक्सिया, अ कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसानी सलाहियतें खराब हो जाती है। पायलट कमाल होशियारी से एयरक्राफ्ट को ऊंचाई पर स्टेबलाइज करता है। सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जरूरत पड़ने पर हंगामी लैंडिंग भी हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्लियर कम्युनिकेशन, हंगामी प्रोटोकॉल की पाबंदी, जहाज में मौजूद हर शख्स की हफाजत को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप अपनी सजेशन का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।